डियर स्टूडेंट्स, आज फिर से मैं आपको कोई कहानी सुनाने जा रहा हूं। और ये कहानी एक ऐसे बालक की है जिसने अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। इस कहानी के पात्रों के नाम मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल एक क्लोज रिलेटेड स्टोरी सुनते हैं। तो ये एक बच्चा जो है वो एक ग्रेटेस्ट फैमिली में पैदा होता है, और इसके पैदा होने के कुछ ही समय के बाद इसके पिता जो हैं वो बड़े काफ़ी सालों के लिए घर छोड़कर बाहर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं वो आपको कहानी के अंत तक पता चल ही जाएगा। चूंकि पिताजी इसके साथ थे नहीं, तो ये अपनी माता और मामा के साथ रहता था। इसके मामा ने ही इसे पढ़ना लिखना सिखाया, इसको सोसाइटी के साथ कैसे बिहेव किया जाता है उसके बारे में सिखाया, और इसे एक अच्छा फाइटर भी बनाया। इसे जो वो शिक्षा दी गई, इसने वो शिक्षा सहे दिल से ग्रहण की, क्योंकि ये काफी इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग था, और हर शिक्षा के ऊपर महारत भी इसने हासिल की। इसने सारे कंटेंट जो हैं वो अच्छे से पढ़े हुए थे, सिवाय एक एक ऐसा कंटेंट था जो इसे आधा आता था, बट ड्यू टू सर्टेन रीजन इसने वो आधा अधूरा कंटेंट कभी फिर से पढ़ना ही नहीं चाहा। चाहे कैसे भी परिस्थितियां रही हो, बट रियलिटी ये है कि वो आधा कंटेंट ही रहा। इसने वो आधा कंटेंट जो बच गया है उसे पढ़ने की कोशिश भी नहीं की। जैसे कि मैं आज के डेट में बोलूं तो आप सिलेबस के बड़े सारे क्वेश्चन याद कर लो, लेकिन किसी एक टॉपिक को आप आधा पढ़ो और आधा छोड़ दो। अपनी टीन एज में इसके पापा जो हैं वो वापस आते हैं और इसके साथ एक साल बिताते हैं। एक साल के बाद इसके पापा युद्ध में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि वो फैमिली का युद्ध था, तो ये भी अपने पापा के साथ फैमिली में पार्टिसिपेट करता है उस युद्ध के लिए। वो एक साधारण युद्ध नहीं था, वो महाभारत का युद्ध था। जी हाँ, मैं महाभारत के युद्ध की बात कर रहा हूँ, और वो कोई आम पात्र नहीं था। ना वो अर्जुन है, ना वो कर्ण है, ना गुरु द्रोणाचार्य है, वो अभिमन्यु था। आपने अभिमन्यु के बारे में सुना ही होगा कि वो चक्रव्यूह में गया था, और चक्रव्यूह में उसके साथ नियमों का उल्लंघन करके बड़े सारे योद्धा ने मिलके उसे जो है वो मार डाला, वो वीरगति को प्राप्त हुआ। अब आप कहेंगे कि अभिमन्यु की ये जो कहानी मैंने शॉर्ट में सुनाई, इससे हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, आपको ये पता है कि महाभारत के युद्ध के 13वें दिन में कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की थी, और उस चक्रव्यूह को किसको भेदने आता था? अर्जुन को। लेकिन अर्जुन तो उस वक्त वहां था ही नहीं। फिर चक्रव्यूह को भेदना किसको आता था? अभिमन्यु को। लेकिन वो चक्रव्यूह के अंदर तो जाना चाहता है, चक्रव्यूह के बाहर कैसे आया जाता है वो उसे पता नहीं था। लेकिन फिर भी अपनी फैमिली की आन बान शान और अपनी फैमिली को बचाने के लिए उसने चक्रव्यूह में प्रवेश किया। यहां पर हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, कितनी भी टफ क्यों ना हो, हमें देखे डर नहीं जाना चाहिए कि यार अगर हमने इस परिस्थितियों को हैंडल नहीं किया तो शायद हम बच जाएंगे। जब परिस्थितियां कठिन हो, टफ हो, तो आपको उससे भी ज्यादा टफ बनकर उसे फेस करना चाहिए। अभिमन्यु को पता था कि इस चक्रव्यूह को अगर मैं नहीं भेदूंगा तो हम सारे मारे जाएंगे। उसने अपनी फैमिली को बचाने के लिए उस चक्रव्यूह को भेदा और अपने आप को जो है वो वीरगति प्राप्त करवाया। जिंदगी में हमें भी अभिमन्यु की तरह स्ट्रांग रहना चाहिए। नो मैटर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कमस्टांसेस वी फेस, हमें उनके लिए तैयार रहना चाहिए। सीख दूसरी, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। देखिए, अभिमन्यु नो डाउट बेहद इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग तो था ही, एक महान योद्धा भी था, लेकिन ये सच है कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह के बारे में आधी नॉलेज थी। अगर अभिमन्यु के एस्पेक्ट में देखा जाए तो फैमिली के एस्पेक्ट से देखा जाए तो उसने अच्छा किया, लेकिन अपने एस्पेक्ट से देखा जाए तो अगर अभिमन्यु ने युद्ध से पहले वो सीखा होता कि भाई ये तो मुझे आता है चक्रव्यूह के अंदर कैसे जाते जाते हैं,
लेकिन चक्रव्यूह से वापिस आना भी सीखा होता तो शायद हिस्ट्री में उसका नाम सुनहरे अक्षर में तो लिखा जाता, लेकिन हिस्ट्री थोड़ी सी अलग होती। इसलिए याद रखिएगा, जब आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी भी कंपटीशन के लिए, तो आधा ज्ञान लेके जाना मूर्खता होती है। आप वेल वर्सेस वेल प्रिपेयर तरीके से जब जाते हैं तभी सफलता को गेन करते हैं। इसलिए आधे अधूरे ज्ञान को लेकर कभी भी किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट मत कीजिएगा, क्योंकि उसके लेने के देने हो सकते हैं। तीसरा, हमेशा सच्चाई के लिए लड़ो। अभिमन्यु ने अपने माता पिता का साथ दिया, अपनी फैमिली का साथ दिया, वो उनके साथ खड़ा था, वो इसीलिए क्योंकि उसे पता था कि सत्य उनकी फैमिली की सपोर्ट में है। जब आप सत्य के लिए लड़ते हैं, जब सच्चाई के लिए लड़ते हैं, तो बड़ी से बड़ी टफ परिस्थिति भी जो है वो डोन हो जाती है। नंबर फोर, इंडिपेंडेंस। हमें कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। देखिए, अभिमन्यु किसके सहारे चक्रव्यूह में एंटर करना चाहता था? भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, जो काफी शक्तिशाली थे, प्रतिभाशाली थे, लेकिन जब चक्रव्यूह के अंदर एंटर किया गया तो सिर्फ अभिमन्यु ही अंदर जा सका, जयद्रथ ने बाकियों को रोक लिया था। हम भी क्या करते हैं, हम आधे ज्ञान को लेके अपने दोस्तों के साथ मिलकर लड़ाई करने चले जाते हैं। खासकर टीन एज में देखा होगा, किसी ने बोला आओ भाई मुझे तुम्हारी जरूरत है, उसने मुझे मारा, तो चार पांच दोस्त चल पड़ते हैं लड़ाई करने के लिए, विदाउट वार्निंग, नोइंग कि क्या दोष वाक्य में उसका है जिससे हम लड़ने जा रहे हैं या हमारे दोस्त का है। तो पूरी नॉलेज होना जरूरी है। दूसरी बात, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिनके सहारे आप लड़ने जाते हो, जिनकी वजह से आप लड़ने जा रहे हो, वो आपका साथ छोड़ के भाग जाएंगे। इसीलिए आप अपनी प्रेपरेशन खुद करके जाइए, किसी के सहारे नहीं। अनडोकली भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर जो थे, वो जो है वो अभिमन्यु को धोखा नहीं दे रहे थे, वो जाना चाहते थे, बट सामने भी जो जयद्रथ था वो वरदान लेके आया हुआ था, भाई मैं चार पांडवों को रोक सकता हूं। इसलिए कब कौन सी सिचुएशन आ जाए, आप किसी के साथ डिपेंड होके नहीं रह सकते। और सबसे बड़ी बात, नो डाउट टीचर बेहद मेहनत करवाता है, कोई भी टीचर होगा, कोई ऐसा नहीं चाहता कि मेरा विद्यार्थी जो है वो पीछे रह जाए। हर टीचर खुश होता है, दिल से खुश होता है कि उसका स्टूडेंट आगे बढ़े। कृष्ण भगवान थे, उन्होंने अभिमन्यु को इतना प्रिपेयर किया हुआ था, इतना ज्यादा प्रिपेयर कि दुनिया का बड़े से बड़ा योद्धा भी उसके आगे घुटने टेकते। बट हाँ, हम सिर्फ यही सोच ले कि हमारे गुरु खुद भगवान हैं और किसी जगह ज्ञान की कमी रख दें, तो भगवान वहां पर कुछ नहीं कर सकते। यहां से हमें यह सीख मिलती है कि वो वाले बच्चे जो पूरा साल थोड़ा बहुत पढ़ते हैं या बिल्कुल नहीं पढ़ते, और बाद में मंदिरों में जाके या किसी पर जाके माथा टेकते हैं और बोलते हैं कि अब आप ही हो जो हमें पास करवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। भगवान उन्हीं की हेल्प करते हैं जो अपनी हेल्प खुद करना जानते हैं। तो देखिए, जो जो अभिमन्यु सीखना चाहता था, भगवान कृष्ण ने निसंकोच उनको सिखाया, लेकिन अभिमन्यु ने कभी बताया ही नहीं उनको कि मुझे इस कंटेंट की आधी नॉलेज है, मुझे ये वाला कंटेंट पूरा सिखाया जाए, तो भगवान कृष्ण ने भी वो नॉलेज आगे नहीं दी हुई थी। अपना कर्म कीजिए, राइटफुल रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, हर परिस्थिति के लिए तैयार रहिए, और किसी भी डिसीजन को लेने से पहले अपनी नॉलेज को इन्हांस रखिए, उस नॉलेज को कंप्लीट रखिए। थोड़ी नॉलेज के सहारे कभी भी किसी भी सर्कमस्टांसेस में मत कूद जाइए, किसी की सपोर्ट के लिए या फिर किसी भी कंपटीशन के लिए। और बच्चे, इन सबके बावजूद एक और मॉरल स्टोरी है, मतलब मॉरल लेसन जो हमें मिलता है वो ये कि आपने देखा होगा कि अर्जुन बेहद ग्रेटेस्ट वॉरियर था, लेकिन अभिमन्यु जो है वो बिना पिता के भी अपने मामा के साथ रह के सारी युद्ध कलाएं में निपुण था। इसलिए हम कभी ये नहीं बोल सकते कि हमारे में ये ड्रॉबैक रहा, हम अपनी कमी पेशियों को एक्सक्यूज नहीं बनाते,
हम अपनी कमी पेशियों को दूर रखते हुए उनको ओवरकम करते हैं और अपनी परिस्थितियों को हैंडल करते हैं। तो होपफुली बच्चे आपको आज की स्टोरी में कुछ सीखने को मिला हो। क्योंकि ये स्टोरी आपको मोस्टली पता ही थी तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में सिखाई और मेनली फोकस किया कि इससे हमें क्या लेसन मिलता है। थैंक यू बच्चे।